ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, अमृत वेला हम सभी के लिए अति अति महत्वपूर्ण समय है। यही वो समय है जब बाबा ने हम सभी को मिलन की अपॉइंटमेंट दी है। बाबा अपने बच्चों को प्यार देता है, पालना देता है, सबकी सुनवाई करता है, भोलानाथ बनकर बैठता है। बाप और बच्चे जैसे घर में बैठते हैं, बिल्कुल प्यार का स्वरूप, कुछ भी ऑफिशियल स्वरूप नहीं, वैसे ही बाबा का स्वरूप अमृत वेले होता है। तो हम सभी अमृत वेले के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका संपूर्ण लाभ उठाएं, और इसके लिए आवश्यक है कि हम रात्रि को उचित समय पर सो जाएं, भोजन हल्का करें, और जिसको अमृत वेले का बहुत सुंदर अनुभव करना हो वो आधा घंटा सोने से पूर्व बहुत अच्छा योग करके, भिन्न भिन्न अभ्यास करके फिर सोएं। क्योंकि जो स्थिति रात को अंतिम समय होगी वही स्थिति सवेरे के आदिकाल में भी होगी। जिन लोगों का सवेरे योग नहीं लगता उसका मुख्य कारण सारे दिन का अलवेलापन है, सारा दिन कर्मेंद्रियों के रसों में जो रहते हैं, जो बाह्यमुखी होकर रहते हैं, वो अमृत वेले का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अमृत वेले प्रकृति भी शांत होती है और मनुष्य का मन भी शांत होता है। तो हम सभी ब्रह्मलोक में विचरण किया करें, पाप दादा के साथ मिलन का सुंदर अनुभव किया करें, उससे कोई विशेष संबंध जोड़कर रू रिहान किया करें। सचमुच ये आनंद सर्वश्रेष्ठ है। इस आनंद को पाने से हमारा जैसे जीवन का फाउंडेशन ही बहुत मजबूत होता जाता है। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन माया से युद्ध का जीवन भी है, तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने का जीवन भी है। हम सारा दिन कर्म क्षेत्र पर जाते हैं जहाँ माया से द्वंद होता है, अनेक समस्याओं से सामना होता है। तो यदि रोज सवेरे सवेरे हम स्वयं को शक्तियों से चार्ज कर लेंगे, बाबा का वरदान ले लेंगे, तो हमारा सारा दिन सफलतापूर्वक सहज रूप से खुशी खुशी से कार्य करते हुए बीतेगा। हमें मानसिक थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन यदि हम सवेरे उठते ही नहीं तो एक खालीपन सा अनुभव होगा, जैसे आज हमने कुछ मिस कर दिया है। इसलिए सभी इस बेला को महत्व दें और अपनी दिनचर्या को ऐसा सुंदर ढंग से मैनेज करें कि 10:30 तक अधिक से अधिक सो जाएं और सवेरे उठकर बस जंप लगाकर बाबा के पास जा बैठें। फिर बाबा का काम है वो हमारे अंदर क्या भरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, और इम्पोर्टेंट होता है कि उठते ही हम सुंदर विचारों से अपने मन को भरपूर कर दें, रोज उठते ही स्वयं को स्मृति दिला दें कि बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मुझे तो बेफिक्र बादशाह बन जाना है। जिनको स्वयं भगवान ही साथ दे रहा हो वही यदि चिंता करेंगे तो भला चिंता मुक्त कौन होगा। जिनका बोझ सारा स्वयं सर्वशक्तिवान उठा रहा हो वही यदि बोझिल रहेंगे तो हल्का होकर जीवन का सुख कौन लेगा। तो आइए आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहें, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, और बाबा की ये बात मन में गूंजती रहे कि मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर उनसे फकुर ले लो,
फकुर यही, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसको मैंने अपने जीवन की बागडोर थमा दी है। इन स्मृतियों से स्वयं को निश्चिंत करें, बेफिक्र बादशाह बने और बादशाह बनकर आज सारा दिन सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। ओम शांति।